मॉर्निंग सिक्स क्लास आप सब कैसे हैं? बढ़िया है ना? ओके बच्चे हमने करा था लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। आज हम करेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, उसकी लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शंस की। बेटा मैंने आपको डीजी क्लासेस भी दिखाए थे, आप लेसन को अच्छे से रीड अप कीजिएगा। आप करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या और कैसे, और कैसे सर्किट्स तैयार होते हैं, क्या हैं सर्किट्स, इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। ओके बच्चे, चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ओके बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ओके बेटा देखिए जरा ध्यान से बुक को, पेज नंबर आपका है 116, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेनी पर्पस टू मेक अवर टास्क ईजियर। हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं अपने टास्क को ईजियर बनाने के लिए, अपने काम को ईजियर बनाने के लिए, आसानी से हमारा काम। आप अंधेरे में कोई काम करने जाएं या अंधेरे में आपको किसी कमरे में भेज दिया जाता है जिसके बारे में वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपके साथ क्या होगा, आपको चोट लग सकती है, टक्कर हो सकती है, किसी के साथ भी आप टकरा सकते हैं, तो आपको कितनी परेशानी होगी, चोट लग सकती है। तो आप अपने काम को ईजियर करने के लिए, आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आपका काम और सबसे ज़्यादा आसान होता चला जाएगा अगर उस कमरे में लाइट होगी तो। ओके बेटा, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस टू मेक अवर टास्क ईजियर। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चा, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, लेट्स सी, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। नीचे से पानी उठाने के लिए, ग्राउंड के नीचे जो पानी होता है ऊपर लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पंप यूज़ करते हैं। बेटा पंप से पानी ईजिली नीचे से ऊपर आ जाता है, या फिर पंप से ही पानी नीचे से ऊपर वाले टैंक भी फिल हो जाते हैं। इट इज़ वेरी ईजिली बाय पंप। और वो पंप किसके थ्रू चलता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। ओके, दैट द अदर पर्पस फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी, लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में देखिए, डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग। कुछ लिस्ट बनाइए आप और उस लिस्ट में लिखिए कि आप कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपको यूज़ होती है, कैसे कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ अप करते हैं। ओके बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट अवर होम्स। इलेक्ट्रिसिटी से ही पॉसिबल है अपने हमारे घर में, हम लाइट्स को जो ऑन रखते हैं, लाइट आती है हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी से ही पॉसिबल है। ओके, रोड, ट्रैफिक लाइट्स, ऑफिस, मार्केट्स, फैक्ट्रीज एंड इवन सनसेट। सनसेट होने पर आप इन सब जगहों पर, रोड पे, ऑफिस में, मार्केट में, फैक्ट्रीज में लाइट के थ्रू ही इजिली देख पाते हैं। ओके, दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू मेकिंग एट नाइट। ये आपको 24 घंटे लाइट देती हैं जब तक लाइट रहेगी। अगर आप लाइट को ऑन रखेंगे तो आपको अंधेरे में भी लाइट दिखती रहेगी। ओके, अगर लाइट है तो, अदरवाइज लाइट जाने के बाद फिर अंधेरा हो जाता है। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। और लाइट हमारे को हेल्प करती है हमारे काम को कंटिन्यू रखने के लिए, हमारे काम कंटिन्यू होता है लाइट के थ्रू। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी, और एक पावर स्टेशन से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। कहीं पर पावर फेल होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हो दिखाई देती है, तो कहीं पे पावर होने से इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखाई देती है, तो पावर फेल होने से लाइट हमें नहीं दिखाई देती। However, supply of electricity may fail or it may not available at some places. और लाइट ना होने की वजह से कुछ जगहों पर लाइट नहीं होती। In such situation, a torch and in some times
यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट्स। और उस समय जब लाइट चली जाती है तो हम किस चीज़ को यूज़ अप करते हैं? अब तो हमारे पास इन्वर्टर्स आ गए बच्चे, लेकिन पहले इन्वर्टर्स नहीं होते थे तो हम क्या यूज़ करते थे? कैंडल्स करते थे या टॉर्च यूज़ करते थे लाइट वहाँ पर देखने के लिए। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब, टॉर्च में क्या होता है? एक बल्ब होता है दैट लाइट्स अप विद दी स्विच ऑन, और उसमें स्विच ऑन करेंगे, किसमें? हम टॉर्च में स्विच ऑन करेंगे तो हमें लाइट दिखाई देने लग जाती है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, और टॉर्च में से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी टॉर्च के अंदर या बल्ब के अंदर इन अ बल्ब इज प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रिक सेल। टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी या बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? एक सेल से मिलती है बेटा। ठीक है, ये देखिए बेटा एक बल्ब है, ये बेटा एक सेल है। ऐसा होता है राउंड में सेल, ठीक है, राउंड में एक सेल होता है, सेल, ये एक सेल है। तो इस सेल में बेटा क्या होता है? एक जगह तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक जगह नेगेटिव चार्ज होता है। एक जगह तो पॉजिटिव चार्ज होता है सेल में, और दूसरी जगह क्या होता है इसमें? नेगेटिव चार्ज होता है। और जब इसको हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं किसके साथ? सेल ये सेल जब हम किस में डालते हैं? टॉर्च में डालते हैं, तो टॉर्च को ऑन करने पर हमारे लाइट दिखाई देनी शुरू हो जाती है। टॉर्च में डालने पर, सेल डालने पर लाइट आ जाती है। ओके बेटा, इसमें दो साइंस होते हैं, एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइंस होते हैं। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक सेल्स ऑल्सो यूज अलार्म कॉल क्लॉक, अलार्म क्लॉक वगैरह सेल्स में यूज की जाती है। अलार्म क्लॉक में जो है एक घड़ी है, क्लॉक है, और रिस्ट वॉच घड़ी हाथ में बांधने वाली है, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरास, इन सब डिवाइसेस में किसको यूज किया जाता है? सेल को यूज में लाया जाता है, इन सभी डिवाइसेस में सेल को यूज में लाया जाता है। हाउ एवर यू एवर केयरफुली लुक एट द इलेक्ट्रिक सेल, अब तुम ध्यान से एक सेल देख बेटा, जरा ध्यान से तुमने क्या देखना है? सेल को देखना है। तो आप क्या देखते हैं जब आप ध्यान से एक सेल को देखते हैं? तो बेटा यू हैव, जब आप एक सेल को देखते हैं ध्यान से तो आप क्या देखते हैं? यू हैव एवर केयरफुली लुक एट द इलेक्ट्रिक सेल। जरा ध्यान से आप सेल को देखिए। यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज अ स्मॉल मेटल गैप, एक स्मॉल मेटल गैप है उनके बीच में, आप देखोगे तो मेटल का गैप, मेटल का कैप है, सेल के दोनों साइड पर मेटल कैप होती है। ऑन अदर साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द, और अंदर मेटल की डिस्क होती है इसमें, ठीक है, एंड ऑन अदर साइड, दूसरी साइड में क्या होता है? मेटल डिस्क होती है। ऊपर पे तो क्या होते हैं? दो सेल, दो कैप होती हैं, और बीच में मेटल की डिस्क होती है। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क ऑन इलेक्ट्रिक सेल, आपने कभी नोटिस किया है कि कभी सेल के ऊपर दो साइंस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन उसके ऊपर लिखा हुआ होता है? द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। एक डिस्क पे पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं तो एक डिस्क पे नेगेटिव टर्मिनल साइन होता है। इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल, और इलेक्ट्रिक सेल्स के क्या कितने टर्मिनल्स होते हैं? हाउ मेनी टर्मिनल्स हैव इलेक्ट्रिक सेल्स? टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। ओके बेटा, एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड इट, और सेल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इस सेल से होती है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर
केमिकल्स होता है, केमिकल स्टोर इनसाइड इट, इसमें केमिकल्स होता है. व्हेन द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज अप, इस केमिकल को जब यूज अप किया जाता है, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक सेल क्या करना शुरू हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. जब उसमें केमिकल्स खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस सेल के थ्रू नहीं हो पाती. द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस बाय न्यू वन, फिर उसके बाद न्यू वन इलेक्ट्रिक सेल्स रिप्लेस किया जाता है. जब एक सेल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज काम जब तक करेंगे जब उनके अंदर एक केमिकल जो डाला जाता है सेल के अंदर वो प्रोड्यूस होता रहेगा. अगर वो केमिकल खत्म हो जाता है तो सेल काम करना बंद हो जाते हैं, लाइट नहीं आएगी उसमें से. लाइट आने के लिए, वापस लाने के लिए क्या करा जाता है, वापस उसमें सेल को चेंज किया जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी उसमें से दोबारा से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है. In electric cells then has to be replaced with new ones. A torch bulb has an outer case of glass that the fix with a metallic base. और torch bulb में क्या होता है, एक metal होता है last में with inside the glass, glass के अंदर जो bulb जिसके अंदर होता है. Okay, एक activity देखिए, आप एक activity कीजिए. टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब, एक टॉर्च लीजिए और उसके बल्ब में देखिए. यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, या अपनी टीचर की हेल्प से बल्ब लीजिए. ओके बेटा, व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे. डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब, आप एक ग्लास बल्ब देखिए और बल्ब में देखेंगे एक पतली सी तार होती है उसके अंदर. ठीक है, नाउ स्विच ऑन द टॉर्च, टॉर्च को जब स्विच ऑन करेंगे, ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग, तो आप देखोगे ऑन करते ही कौन सा पार्ट उसका जल रहा है, ग्लो कर रहा है. द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट, जिसमें से लाइट आती है वो थिन वायर जो होती है उसको बोला जाता है फिलामेंट ऑफ द बल्ब, उसको हम बोलेंगे फिलामेंट ऑफ द बल्ब. इस फिलामेंट ऑफ द बल्ब में ही लाइट आती है जिसके थ्रू हम देखते हैं. द फिलामेंट इज फिक्स ऑफ टू थिकर वायर, ये फिलामेंट दो थिकर वायर से अटैच होता है. ठीक है, फिलामेंट्स क्या होता है, दो थिक वायर से अटैच होता है. Which also provide support to it, जो उसको support provide करते हैं. As shown in figure 12.2, 12.2 figure में देखिए, एक पतली सी wire है जो उसके साथ bulb के filament के साथ जुड़ी हुई होती है. ठीक है बेटा, one of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb. Base of the bulb में metal wire attach होती हैं. 12.2b फिगर में देखिए, ठीक है, द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल थिक एट द सेंटर ऑफ द बेस, सेंटर ऑफ द बेस के साथ ये जुड़ा हुआ होता है. द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल ऑफ ए बल्ब, बल्ब के टू टर्मिनल्स देखने को आपको मिलेंगे. दिस टू टर्मिनल आर फिक्स इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टॉर्च ईच अदर, और दोनों इस तरीके से फिक्स होते हैं बल्ब के अंदर, टॉर्च के बल्ब के अंदर, कि वो एक दूसरे से टच नहीं करते. द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन, और जो हम घरों में बल्ब यूज़ करते हैं सेम ऐसे ही डिज़ाइन के बल्ब होते हैं. दस बोथ ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब हैव टू टर्मिनल ईच, व्हाई डज दे हैव दीज टू टर्मिनल्स, के ये दो टर्मिनल्स बल्ब के क्यों होते हैं, कभी सोचा है.
ओके ये देखिए ये फिगर देखिए आप अच्छे से बेटा, आपकी बुक में ये फिगर है, इसमें एक में पतली सी वायर अटैच है आप, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारे होते हैं। तो आपने ये कभी सोचा है इसके दो टर्मिनल्स जो हैं वो क्यों होते हैं बल्ब के, बल्ब के दो टर्मिनल्स क्यों होते हैं? फिलामेंट, व्हाट इज फिलामेंट? राइट ऑन, बल्ब के जो दो फिलामेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा दो द थिन वायर ऑफ दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट। वायर के होती है एक बल्ब के अंदर पतली सी, जो पतली सी वायर होती है बल्ब के अंदर उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। इसके थ्रू हमें क्या मिलती है बेटा? लाइट मिलती है वायर के, इसके थ्रू हमें क्या मिलती है? लाइट मिलती है। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट ही लिखना, सेल हैज टू टर्मिनल्स, एक सेल में टू टर्मिनल्स होते हैं बेटा, ओके। अ सेल हैज टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव बल्ब के अंदर दो ही टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ओके बेटा। और इन दो टर्मिनल्स के थ्रू ही आपस में क्या होता है, अगर ये दो टर्मिनल के साथ बल्ब मिक्स होता है तो वो बल्ब जलने लगता है, सेल अगर जल जाता है तो, ओके। फिलामेंट क्या होता है? जब बल्ब के अंदर जो पतली सी वायर होती है उसे बोला जाता है फिलामेंट। इस फिलामेंट के थ्रू ही बल्ब ग्लो ऑफ होता है। तो बेटा आपने एक यहाँ पे फिगर दिखाया था, आपका फिगर 12.2 का ए और बी दोनों को ही देखिए, उसमें जो एक पतली सी वायर है बी में, वो वायर ऊपर से लेके नीचे मेटल तक जुड़ी हुई होती हैं, जिसको जो बल्ब को ग्लो ऑफ करती हैं। और एक सेल के अंदर केमिकल होता है, वो केमिकल जब तक काम करता रहेगा तो बल्ब चलता रहेगा, केमिकल ख़त्म हो जाता है तो सेल काम करना बंद हो जाता है। तो फिर से उसको काम में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी इंस्ट्रूमेंट को, तो सेल को चेंज करना पड़ता है हमें बेटा, ओके बेटे। अब देखिए, अब बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, एक बल्ब जो है इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट किया भी जा सकता है, ओके बेटा। टू टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं किसमें? एक सेल के अंदर, ओके बेटा। राइट एंड नीट एंड क्लीन, ओके।
ओके बेटा, इसके साथ ही ये आज की क्लास यहीं पे है, नेक्स्ट आगे हम आगे क्लास में करेंगे। ओके बच्चे।